दोस्तों हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तो रोज करते हैं लेकिन उनके बारे में हमें पता कुछ नहीं होता। ऐसे में आज हम आपको सिक्कों के साइड में बने दरदरेदार निशान से लेकर पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे तक क्यों नहीं जाते, इन सभी चीजों के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। एक्स्ट्रा स्क्रैप ऑफ क्लोथ। जब कभी भी हम कपड़े खरीदते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्लॉथ और बटन मिल जाता है। अब आप सोचते होंगे कि भला हमें ये क्यों दिया जाता है जब हमारे पास पूरा का पूरा कपड़ा बना हुआ रखा है, क्योंकि बटन का यूज तो हम बटन टूटने या गिरने पर कर सकते हैं लेकिन कपड़े का क्या यूज है। तो दोस्तों हम आपको बता दें वो पीस ट्रायल के लिए दिया जाता है ताकि आप कपड़े के मटेरियल से चेक कर सकें कि ये किस तरह से धुला जाएगा। वरना जब हम पहली बार किसी कपड़े को धुलते हैं तो कई बार कपड़े खराब हो जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उसे धोने का सही तरीका क्या है। ऐसे में अगर आप इस कपड़े के पीस का इस्तेमाल करके ट्रायल लेंगे तो आप जब कपड़ा धोने जाएंगे तो आपसे चूक नहीं होगी। स्मॉल पॉकेट इन जीन्स। आपका तो पता नहीं लेकिन जब हमें ये नहीं पता चला था कि जीन्स में छोटी पॉकेट क्यों होती है, हम बड़े कंफ्यूजन में रहते थे क्योंकि भला इतनी बड़ी पॉकेट होने के बावजूद इस पिद्दी सी पॉकेट का हमारी जीन्स में क्या यूज। कई लोगों का ऐसा सोचना है कि ये छोटी सी पॉकेट च्युइंगम या फिर कॉइन वगैरह रखने के लिए बनाया गया है, पर हम आपको बता दें इस पॉकेट को सबसे पहले मशहूर जीन्स बनाने वाली कंपनी लेवाइस ने पॉकेट वॉच रखने के लिए बनाया था। जी हाँ दोस्तों, पहले के टाइम में जब लोगों के हाथों में घड़ी नहीं होती थी तो वो पॉकेट वॉच का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में बड़ी सी पॉकेट में घड़ी निकालने में ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए इस छोटी सी पॉकेट को बनाया गया और अब ये एक अलग ही ट्रेंड की तरह चलता है। ब्लू एंड ऑफ द इरेजर। हमें पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोग स्कूल तो गए होंगे और उन्होंने पेन भी चलाया होगा, लेकिन अगर जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो उनके लिए हम आपको बता दें कि जब पेन से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे रब करने के लिए जो इरेजर का इस्तेमाल किया जाता है उसका एक किनारा नीले रंग का होता है और हम बड़े आराम से इसी इरेजर से गलतियां सुधारने में लग जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इस इरेजर में इस नीले रंग का मतलब क्या है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो नीले रंग का किनारा होता है उसे पेंसिल और काफी हार्ड पेपर पर रब करने के लिए बनाया जाता है, वहीं जो दूसरा किनारा होता है उसे पेन से लिखा हुआ कुछ भी बहुत ही सॉफ्ट पेपर पर रब करने के लिए बनाया जाता है ताकि ये आराम से रब हो जाए और पेपर को भी नुकसान ना हो। लेकिन ऐसे में हम उल्टा काम करते हैं और कई बार हमारे पेपर फट जाते हैं। अरे होल नियर द रियर कैमरा ऑन आईफोन। अब हम सभी आईफोन के कितने बड़े दीवाने हैं ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास ऐसा फोन हो जिसके पीछे कटे हुए सेब का लोगो लगा हो, जिसे देखकर इंसान उसकी ठाट बाट महसूस करने लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस आईफोन के आप दीवाने हैं उसके जो बैक कैमरे और फ्लैशलाइट के आसपास एक छोटा सा होल होता है वो किस लिए होता है। दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो होल माइक्रोफोन होता है जिसकी मदद से जब कभी भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो डायरेक्टली वहीं से आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है जिससे वॉइस क्वालिटी काफी क्लियर हो जाए, आपको आईफोन का फुल टू फील भी मिल जाएगा। वैसे दोस्तों जिस हिसाब से देश में हालात चल रहे हैं आपको क्या लगता है ओप्पो वीवो रेडमी जैसे चाइनीज फोन को छोड़कर इंसान को थोड़े पैसे मिलाकर आईफोन ले लेना ही सही रहेगा या फिर हमें अपने देश में अच्छे फोन बनने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों हम और हमारे दर्शक आपका ये जवाब जरूर जानना चाहेंगे, ऐसे में अपने जवाब हमें कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। डिस्क इन प्लास्टिक बॉटल कैप। दोस्तों अक्सर लोगों ने अपने प्लास्टिक बोतल के कैप में एक छोटी सी डिस्क लगी हुई देखी होगी और आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये कौन सी बला है। तो दोस्तों हम आपको बता दें हर चीज का अपना मतलब होता है और इस डिस्क को लगाने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि बोतल के अंदर मौजूद चीजें फ्रेश रहे और बाहर की एयर अंदर बिल्कुल भी ना जा पाए। हालांकि कई बार ये डिस्क रबड़ की भी होती है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की भी होती है, लेकिन ये हर बार बोतल के ढक्कन में मौजूद है। डोर्स इन पब्लिक टॉयलेट। आप अगर कभी भी पब्लिक टॉयलेट में गए हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे पूरी तरह से जमीन को टच नहीं करते। ऐसे में ये चीज काफी लोगों को अजीब भी लगती होगी क्योंकि वो थोड़ी प्राइवेट जगह है ना, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा करने के कई सारे कारण हैं। उनमें से एक तो ये है कि इस तरह पब्लिक टॉयलेट में अगर गलती से भी दरवाजा खराब हो जाए
तो बाहर खड़े शख्स को पता चल जाता है कि अंदर कोई है। उसके साथ साथ टॉयलेट की क्लीनिंग में भी हेल्प हो जाती है, ज्यादा समय भी नहीं लगता। और सबसे जरूरी चीज तो यह है कि अगर कहीं गलती से टॉयलेट का दरवाजा जाम हो जाए तो किसी भी तरह का सफोकेशन या फिर बाकी चीजें अंदर मौजूद इंसान को ना हो। हालांकि आपने ये भी कई बार देखा होगा कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अनोइंग होता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है ताकि टॉयलेट के बाहर दरवाजे खुलने की वजह से जगह की कमी ना हो और सब कुछ सेटल हो जाए। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। पंट एट द बॉटम ऑफ द बोटल। बोटल के निचले हिस्से में जो पंट होता है उसके बारे में भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इसे क्यों बनाया गया है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसके होने से बोतल के अंदर का मटेरियल काफी हाई क्वालिटी का होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता दें, इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि बोतल के अंदर का मटेरियल आपस में मिक्स ना हो और वो जब तक खोली ना जाए वैसी की वैसी रहे। उसके साथ ही इसे ट्रांसपोर्ट करने में काफी आसानी होती है, क्योंकि इस तरह के शेप से एक के बाद एक करके बोतल को सेट किया जा सकता है। और उसके साथ ही ये बोतल के अंदर मौजूद प्रेशर को भी बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। ए सिलेंडर ऑन चार्जिंग कोड। दोस्तों, लैपटॉप और कैमरा वगैरह के चार्जिंग कोड में एक सिलेंडर मौजूद होता है जो प्लास्टिक बैरल जैसा दिखाई देता है। पर क्या कभी आपने सोचा है इसका असली में मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद है, जहां पर ये एक हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर की तरह काम करता है, जो फ्रीक्वेंसी की इंटरफेस को कंट्रोल करता है। क्योंकि कई बार हर चीज की फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से चीजें खराब होने का डर रहता है। और ऐसे में ये काम ना हो, इसी वजह से चार्जिंग के दौरान फ्रीक्वेंसी को सही तरह से काम कराने के लिए इस सिलेंडर का बहुत अहम रोल होता है। रिजेस ऑन द कॉइंस। सिक्कों के साइड में बने पतले पतले निशान, जिन्हें रिजेस कहा जाता है, उन्हें हम सभी ने देखा होगा, लेकिन शायद ही किसी को ये पता हो कि वो वहां क्यों बने होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, पहले के समय में सिक्कों के अंदर जितना सोना होता था उसी हिसाब से उनकी कीमत होती थी, और कुछ चतुर लोग सिक्कों के इस साइड वाले सर्कल को निकालकर उससे सोना निकाल लेते थे ताकि वो और ज्यादा सिक्के बना सके। और ये चीज काफी बड़ी मात्रा में होती थी, क्योंकि उस समय किसी के पास मेजरमेंट के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी। ऐसे में न्यूटन ने यह सजेस्ट किया कि सिक्कों के साइड में इस तरह के दरदरेदार निशान बनाने से सिक्कों की चोरी नहीं हो सकती। हालांकि अब तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब सोने चांदी के सिक्के नहीं बनते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी चीजों को ट्रिब्यूट करने के लिए इस तरह के सिक्के बनाते हैं। एरो इन द गैस गॉज। दोस्तों, कई बार आप ये सोचते होंगे कि कार के गैस गेज में ये जो एरो होता है ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से यूजलेस है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इस एरो को कार में किस तरफ गैस टैंक है उसे शो करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि जिसके पास अपने खुद की कार है उसको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आप दुनिया घूमने निकले हो और आपने कार रेंट पर ली है, तो ये चीज आपकी बड़ी मदद कर सकता है। ऐसे में कोई चीज फालतू में नहीं होती, हर चीज का अपना मतलब होता है, जो वक्त आने पर आपका साथ जरूर देता है। पिंस ऑन पीवीसी विंडोज। जब हम पीवीसी विंडोज को देखते हैं तो उसमें साइड में एक छोटी सी पिन लगी होती है। हालांकि कई लोगों को तो ये पता है कि ये किस लिए लगी होती है, लेकिन कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो उस पिन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, वो एक सीजनल पिन है, जिसकी मदद से हम खिड़की को समर और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं ताकि पिन का प्रेशर मैग्नीट्यूड उसी हिसाब से ढल जाए, क्योंकि इस पिन के जरिए विंडो में लगी कांच उसी हिसाब से होल्ड होती है। यानी कि जब पिन का मोड ऊपर की तरफ होता है तो उसका साफ मतलब है कि खिड़की को गर्मी के अकॉर्डिंग सेट किया गया है ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके, और ठीक ऐसा ही विंटर के टाइम में भी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी आपको।
अगर हाँ तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।